हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकांश मन्नत ब्लॉगिंग चैनल, जहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली में कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में जहां पे आप अपने किड्स के साथ वीकेंड्स पे जा सकते हो और खूब एंजॉय कर सकते हो। तो आज सैटरडे यानी कि वीकेंड है और हम जा रहे हैं आज एकांश को लेकर के बाहर। तो देखते हैं आज कौन सा प्लेस हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और एकांश का बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है जिसके अंदर एकांश के कुछ एसेंशियल्स हैं। ओके, लेट्स कम विद मी और लेट्स सी आज कौन सा प्लेस हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये हम लोग निकल चुके हैं और एकांश सो एक्साइटेड। एकांश क्लैप 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 बेटा, ये ओ ये He's so happy and excited. Yay! What he's doing right now? Storing things. All I've seen. तो चलते चलते हम लोग आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, वो है नेहरू पार्क। गाइज, यहाँ पे मुझे कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नेचर से प्यार है और आप अपनी फैमिली के साथ कुछ सेल्फ़ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा नेचर के साथ, तो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। हम आ गए हैं नेहरू पार्क में। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। बच्चों के लिए, वीकेंड के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है, क्योंकि एक तो शांति बहुत है और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और सेल्फ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये फाउंटेन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, लेट्स कम विद मी। पार्क में थोड़ा सा अंदर आने के बाद ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस हमें मिला। बहुत ही सुंदर है और एक तरफ से आप इसको बोल सकते हो कि ये एक सेल्फी पॉइंट है। चारों तरफ वाटर है, फाउंटेन चल रहे हैं और बीच में वॉकिंग के लिए बनाया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पे एकांश थोड़ा सा नेचर के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करा रहा है। Of sailoring, ain't got no cigarettes, but trailer of sailoring. गाइस, ये नेहरू पार्क हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम के ऊपर बना हुआ है। ये चाणक्यपुरी में है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लोक कल्याण मार्ग।
जब हम यहाँ पे आए तो थोड़ा सा टाइम लगा एकांश को ग्रास के ऊपर थोड़ा सा यूज्ड टू होने में। उसके बाद इसने यहाँ पे खूब सारी मस्ती की जो आगे की व्लॉग में आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स जस्ट हैव अ लुक, कितना सुंदर प्लेस है ये, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिल रही है। बहुत सारी मस्ती करने के बाद एकांश को अब भूख लगी है। हम लोग घर से लंच करके गए थे उसी समय एकांश ने भी कर लिया था, तो इस समय वो अपना दूध पी रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप शहर की जगह चौथ से दूर बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ शांति में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप एक बार यहाँ पे जरूर आइए। बहुत ही इंजॉयमेंट है, बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून है। ये बहुत एक्साइटिंग टाइम था हमारे लिए। अचानक से कुछ कौवे वहाँ पे आ गए और जैसे ही हमने उन्हें चिप्स खिलाया वो आकर के चिप्स खाने लगे। पहले एक या दो कौवे आए, उसके बाद ढेर सारे कौवे वहाँ पे आ गए और वो हमारे चिप्स को एंजॉय कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत सारी मस्ती एंड एंजॉयमेंट के बाद चाय वाले भैया हमारे लिए चाय लेकर के आए। वहाँ पार्क में चाय, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, ये सब के लिए बहुत सारे सेल्समैन अवेलेबल थे। वो बार बार आपके पास आकर के आपको सर्व कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी हमारे लिए। हमने चाय एंजॉय किया जिसके बाद हमारी इवनिंग बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट हुई। हम लोग चाय एंजॉय करने वाले हैं। एकांश के साथ मस्ती करते करते हमने अचानक से देखा, ओ वाओ, दो पैरट एक पेड़ के ऊपर, वो इतना सुंदर लग रहा था। सो गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप एक बार अपने किड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ आकर के ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। सो गाइज आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।